सर एमके शर्मा सर और चौहान साहब दोनों से ये कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से मैं एनडीएस जानते हुए 8-10 साल से मैं अभी 100% रॉ फूड पे नहीं आ पाया हूँ। वो कन्फ्यूजन ये है कि जो तेल और मसाले और नमक जिसकी वजह से खाना पका हुआ अच्छा लगता है, तो इसको निकाल के अगर हम सेका हुआ और बॉयल खाना खाते हैं तो हमारी जो ग्लैंड्स इंद्रिया है उसको मेरे मतलब मेरा अनुभव है कि एक्सेप्ट करती है कि ये खाना खाना चाहिए, और वो जो खाना है वो स्वाद में भी अच्छा लगता है, मीठा लगता है। तो इसकी वजह से ये कन्फ्यूजन रहता है कि रॉ फूड खाओ कि ये खाओ बॉयल खाना। तो इसका आप मुझे जरा क्लियरिटी करें। आंसर बॉइल करो, बता बेटा में रिस्टोर थी है। हेलो। हाँ, सवाल आपका बहुत अच्छा है, सभी को शायद ज्यादातर लोगों को स्पर्श करता होगा। तो यहाँ है आपको जो मैंने पहले बताया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बातें, तो ये आपको तय करना है, यू आर द बेस्ट जज। हाँ, आपको जो ठीक लगे, दो रास्ते हैं, कौन से रास्ते पे आपको जाना है वो आपको तय करना है। आप जानते हैं दोनों रास्ते का क्या नतीजा है, परिणाम है, तो खुद ही तय करो। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि हमें खुद ही खुद का जज बनना है, यानी डिसीजन लेना है, खुद ही खुद के डॉक्टर बनना है और खुद ही खुद के खुदा बनना है। तो इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। हाँ, तो अब यहाँ उलझन में रहने की, कंफ्यूजन में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। आपको क्लियर हो गया, दो रास्ते हैं, आप पसंद कर लो, नेक्स्ट।